दोस्तों नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिरोधों का संयोजन करना पढ़ेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन क्या है? प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को, अगर आप पहली बार देख रहे हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरे को कहते हैं समांतर क्रम। तो दोस्तों, आज पहले हम इस वीडियो में श्रेणी क्रम का संयोजन पढ़ेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन कैसे किया जाता है, तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन है क्या? पहले हम ये जानेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, इसी तरह से दूसरे सिरे का दूसरा सिरा और तीसरे सिरे का पहला सिरा, हम प्रतिरोध को इस तरह से जोड़ते हैं। तो हम चलिए इस वीडियो में एक चित्र के द्वारा इसको समझते हैं। तो देखिए, हम एक चित्र पहले बना लेते हैं, जिसमें मान लेते हैं कि हमने तीन प्रतिरोध ले लिया है, R1, R2 और R3। इन प्रतिरोधों को देख रहे हैं, एक का सिरा A है और दूसरे का B है, A और B, C और D। इस तरह देखिए, यहाँ पर क्या किया गया, एक प्रतिरोध को पहले तार से जोड़ दिया गया, प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिए, और इसके बाद फिर देखिए इस दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा हम तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिए हैं। इस तरह से हम जितना भी प्रतिरोध लगाना चाहें तो हम प्रतिरोध लगा सकते हैं। इसको कहा जाता है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में देख रहे हैं, एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा है, क्योंकि इसमें हेड और टेल तो होता नहीं, लेकिन इसलिए हम एक सिरा और दूसरा सिरा कह सकते हैं, क्योंकि इसका आप कोई भी सिरा कैसे भी जोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया। इसके बाद हम मान लेते हैं कि इसमें V1, V2 और V3, इसमें इतना विभवांतर प्रवाहित हो रहा है। तो इस तरह से हम पहले एक सर्किट, एक परिपथ बना लेते हैं। तो परिपथ को हमने इस तरह से बना लिया। तो देखिए, परिपथ में हमने बैटरी जोड़ दिया है। बैटरी में देखिए, यह सिरा इसका, यह सिरा इसका ऋण है और यह सिरा धन है। हमने प्रतिरोध को इस तरह से आगे देख रहे हैं जोड़ दिया है। इसके बाद इसमें देखिए कुंजी लगा दिए हैं, ये कुंजी हो गया। इसके बाद देखिए, इसमें धारा का प्रवाह हमेशा ऋण से धन की ओर होता है। यहाँ से देखिए, धारा इस तरह से हो करके ऐसे गुजर रही है, प्रतिरोधों से होते हुए धारा इस तरह से R1 से फिर R2 से फिर R3 से होकर के फिर धारा ऐसे निकल करके आ रही है। तो देखिए, अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो उसमें धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, धारा सब में बराबर ही रहेगी। देखिए, आई धारा यहाँ है
आई धारा यहाँ भी प्रवाहित होगी और आई धारा यहाँ भी प्रवाहित होगी, आई धारा यहाँ भी प्रवाहित होगी, लेकिन इसके विभवांतर में परिवर्तन हो जाएगा। V1 विभवांतर R1 प्रतिरोध का है और V2 विभवांतर R2 प्रतिरोध का है, V3 विभवांतर R3 का विभवांतर है। तो इसी तरह से अब हम आगे ओम के नियम के अनुसार क्या करेंगे। ओम के नियम के अनुसार अगर हम मान लें बराबर हो जाएगा IR1, इसको हम समीकरण एक ले लेते हैं, V2 IR2 समीकरण दो हो गई, V3 IR3 हो गया, ये समीकरण तीन हो गया। और इस तरह से हम इसमें मान लेते हैं कि परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर V है। जब परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर V है तो तीनों विभवांतर जो V1 V2 V3 करके इसमें प्रवाहित हो रहा है तो सबका मान V होगा। तो इस तरह से V बराबर हो जाएगा V1 V2 और V3। अगर हम मान लें कि A और D के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो, अगर हम ये मान लें कि A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध R है, तो ओम के नियम से यह हो जाएगा V बराबर IR। और जब ये V बराबर IR हो जाएगा तो हम V बराबर IR को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि IR बराबर V, और इसके बाद हम V के स्थान पर लिखेंगे कितना, ये हो जाएगा कि IR बराबर V1 V2 और V3 तीनों का योग हो जाएगा। अब हमें V1 का मान मालूम है, हमने V1 और V2 और V3 का मान रख दिया, तो लिख दिया गया IR = IR1 IR2 और IR3। तो IR इसमें हमने I को कॉमन ले लिया, तो देखिए R1 R2 और R3 प्लस में आ गया, I से I को कैंसिल कर देंगे, R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। और इस तरह से तुल्य प्रतिरोध R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। परिपथ में प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो उनमें जितना प्रतिरोध जोड़ा गया है उन सबका योग कर देंगे तो तुल्य प्रतिरोध मालूम हो जाएगा। इस तरह से हम ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि R तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी प्रतिरोध दिया रहेगा सबको हम जोड़ लेंगे। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रहना चाहिए कि जब हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उसमें धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विभवांतर में परिवर्तन होता है, उसका विभवांतर चेंज हो जाता है, सबका प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों का विभवांतर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन उसका आई का मान बदलेगा नहीं, आई का मान जितना रहेगा उतना रहेगा। ऐसा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना।